सातवें महीने खुले विद्यालय, छात्रों में दिखा उत्साह, एक चौथाई छात्र ही पहुंचे कॉलेज। बीते शैक्षणिक सत्र के दौरान देश में बढ़े कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रकोप से आमजनों व छात्रों के बचाव को लेकर शासन की गाइडलाइन के अनुसार बीते 15 मार्च के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद कर दिया गया था, जिससे करीब 6 माह से स्कूलों व कॉलेजों में शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से बंद रहे। वहीं वैश्विक महामारी में शिक्षण कार्य के हो रहे नुकसान को देखते हुए शासन द्वारा सोमवार 19 अक्टूबर से सशर्त विद्यालयों को पुनः खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तहत शिक्षण कार्य करने की अनुमति दी गई, जिसके तहत सुल्तानपुर के जयसिंहपुर शिक्षा क्षेत्र के अधिकांश इंटर कॉलेजों के सोमवार को खुलने से छात्रों में गजब का उत्साह देखने को मिला। क्या नाम बेटा? पावनी सिंह। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9वीं। विद्यालय का नाम क्या है? लगभग कोरोना काल के बाद 7 महीने बाद ये विद्यालय आपका खुल रहा है, आप विद्यालय आए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके गार्जियनों ने आपको विद्यालय आने के लिए अनुमति दी है? जी हाँ। ओके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकित वर्मा, हम 10th के छात्र हैं। किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? राजमान टेसरी इंटर कॉलेज, सेमरी बाजार, सुल्तानपुर। लगभग 7 महीने बाद विद्यालय आप आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही दिनों बाद हमें पढ़ाई का अवसर मिला है। आपके गार्जियनों ने आपको पढ़ने के लिए सहमत दी है? यस। हाँ, शासन के निर्देशानुसार 19 तारीख को विद्यालय खुला है, जिसमें सुबह की पाली में कक्षा 10 के 15 छात्र और 9 के 10 छात्र आए हुए हैं। उनका समय जो है 11:50 पर समाप्त हो गया। सेकंड पाली में कक्षा 12 के 20 छात्र और 11 के 15 छात्र आए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है और आप एक कमरे में 12 बच्चों को बैठाया गया है, सबके बीच में 6 फीट की दूरी रखी गई है, सबकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, अभिभावक का प्रमाण पत्र ले लिया गया है, शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का गाइडलाइन का पूर्णतया पालन किया जा रहा है और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी बच्चे मास्क लगाए हैं, फुल शर्ट पहन करके विद्यालय में आए हैं, किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं। लगभग 7 महीने बाद आप विद्यालय में बच्चों के बीच में आए हैं, तो आपके विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई? बस सारी जो COVID-19 को लेकर के सरकारी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि विद्यालय में सैनिटाइजेशन करवाना है तो वो हो चुका है, और बच्चों को मास्क पहन करके एंट्री और सहमति के साथ एंट्री दी गई है, किसी भी बच्चे को सहमति वगैरह एंट्री नहीं दी गई है। इसलिए बच्चों को जैसे ही वो गेट पे आते हैं, पहले उनका मास्क चेक होता है, फिर उनको हाथ धुलाया जाता है, देन उसके बाद उनको जो है आगे के लिए भेजा जाता है। एक कक्षा में कितने बच्चे बैठने की व्यवस्था है? एक कक्षा में जो है 36 बच्चे बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग कितने बच्चे आज आए रहे होंगे? आज सभी कक्षा 9 में 9A, 9B, 9C और 10A, B, C मिला करके 49 बच्चे आए थे आज। कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल 275 बच्चे हैं, जिसमें से 49 बच्चे आए।